सो गाड़ी से सारा सामान मैंने निकलवा लिया और सब फिट किया। देखिए ऊपर का डैश कैम भी निकाल दिया मैंने, तो ये गाड़ी अब खड़ी रहेगी यहाँ पर 2-3 महीना। और इतना सामान था कि इसमें सब कुछ आ गया लेकिन उस गाड़ी में फिट नहीं हुआ। तो उस गाड़ी में बहुत सारा सामान मुझे दाएं बाएं करना पड़ा। इवन जो सीट लगाई हुई है वो भी सीट मानवी की सीट पीछे है, तो मेरी थीर सीट आगे हो जा रही है, अभी उसको एडजस्ट करना है। तो लेट्स सी। लेकिन भाई XUV 500 में जो जगह है वो इसमें नहीं है, स्कॉर्पियो में, वो तो मानना पड़ेगा। तो अपना सामान थोड़ा कम करते हैं। सो ये है हमारी गाड़ी, बढ़िया से अपना लोगो भी लगवा दिया, सारा काम हो गया। अब जा रहे हैं नाइट्रोजन भरवा दें पूरा फ्लैट करा के और डीजल। और ये देखिए आधा सामान ऊपर पड़ा है, इधर पड़ा है, इधर पड़ा है, ऊपर ये भी लगा दिया, सब ये पूरा भरा पड़ा है। पिक्सी के लिए यहाँ सेटअप कर दिया, ये पूरा लगा दिया क्योंकि पिक्सी ऊपर बैठती है तो गंदा नहीं होगा। और बाकी सब सीट से पन्नी हटा दी है। तो ये सीधा हल्ली के आगे आए हैं यहाँ पर पूरा फ्लैट करा के और इसमें नाइट्रोजन डलाएंगे। आगे वाला टायर में थोड़ा सा कम दिखा रहा था, 29 इधर 32। तो अपना टायर प्रेशर दिखा रहा है 36 चारों में। तो पूरा फ्लैट कराया, पहले से बोला कि 40 डालेंगे, 40 PSI, 40 डाल के फिर वो एडजस्ट करेंगे 36 पे, कि पहले उन्होंने 40 डाला फिर उसको एडजस्ट वापस 36 किया। तो कह रहा आप चलाओगे तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, वरना आपका TPMS कभी कभी ज़्यादा कम दिखाएगा, इसलिए 36 डाल दे रहे हैं, वो आप चलते चलते वापस 34 पे एडजस्ट हो जाएगा। हमने चलिए ठीक है, नई चीज़ें पता चली। अब वैसे भी TPMS में टायर के अंदर आपका एक सेंसर होता है, तो उसने बोला कि आपकी गाड़ी थोड़ा सा उठा के रैंप पे और तब पूरा फ्लैट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही कर देंगे तो वो पूरा बैठ जाएगा और अलॉयज हैं तो आपका सेंसर ख़राब हो सकता है। हमने कहा ये भी अच्छा है, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं गाड़ी में। सो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और फाइनली 100 किलोमीटर चल गए हम बैंगलोर के अंदर जब से गाड़ी ली है। ये बुधिगिर क्रॉस है जहाँ पर पूरा वन वे ट्रैफिक कर रखा है। बाप रे बाप, पिछले आधे घंटे से हम यहीं खड़े हुए हैं अपने घर जाने के लिए, जो बस ओवर ब्रिज है उसके साइड में है। पिक्सी, Hey Pixie, this is our new car. This is a new car. Pixie सोच रही है कहाँ, कौन से गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग। All set to go. तो ये बड़े-बड़े दो सूटकेस, एक एयरबैग, फिर स्ट्रॉलर, फिर लैपटॉप बैग और साइड में कुछ-कुछ छुटपुट, इतना सामान आ गया। साइड में और थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे कुछ-कुछ डाल सकते हैं। पिक्सी का आगे सेट किया है यहाँ पे, ये पूरे सीट को प्लास्टिक से रैप कर दिया ताकि पिक्सी इसको खराब ना करे। चलो जाओ, सारी सीटों का प्लास्टिक इसी में डाल दिया। ये सबसे पीछे है ना सीट। हाँ। पिक्सी कम पड़ेगा क्या भैया, ऊपर भी बैठ सकती है, ऐसा लगा दिया कि ये सूटकेस, ये मतलब लैपटॉप बैग पीछे डाल देते हैं। गुड मॉर्निंग, तो आज है 10th of November और आज हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर से नॉर्थ की तरफ और नए गाड़ी में बैठे हैं। ये है स्कॉर्पियो एन जो हमने नई नई खरीदी है और ये फर्स्ट हम लोग का लॉन्ग ट्रिप है। तो हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से रायबरेली और आज का जो स्टॉपेज रहेगा वो नागपुर, और नागपुर इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर्स, 19 घंटा बता रहा है गूगल। अभी टाइम हो रहा है 4:45, हम लोग रोड पे निकल आए हैं, चलते हैं। नई गाड़ी है, नया नया पूरा एहसास, जो वो खुशबू है ना नयापन का, बहुत अच्छा लग रहा है। सामान आप देख सकते हो पीछे कितना सामान है, 2 बड़े बड़े सूटकेस है क्योंकि हम लोग ठंड के कपड़े लेके जा रहे हैं। हम लोग रायबरेली से फिर नेक्स्ट वीक नॉर्थ ईस्ट के लिए जाएंगे, मेरा घर डिब्रूगढ़ में है तो वहाँ जाएंगे, तो इसीलिए ठंड के कपड़े भी है, प्लस ट्रॉलर है, फिर लैपटॉप बैग है, बहुत छुटपुट बहुत सारे सामान आ गया सब पीछे। और पिक्सी को हम लोग ने आगे सेटअप किया है, आपको दिखाती हूँ। सो ये है पिक्सी, नीचे कंबल डाल दिया है तो पिक्सी वहाँ पे बैठी है, वो घुस के सो भी पाएगी और अगर उसको ऊपर भी आना है तो ऊपर भी बैठ सकती है। ये वाला जो सीट है उसमें सब प्लास्टिक रैप कर दिया ताकि वो नाखून ना लगाए,
और मानवी कार सीट में बैठी है। गुड मॉर्निंग मानवी, हाय। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। मनीष अभी फास्टैग रिचार्ज कर रहे हैं पार्क प्लस ऐप से, क्योंकि ऑलमोस्ट 3000 भर लो, रायबरेली तक हो जाएगा आई गेस, है ना। डीजल फुल टैंक करा लिया ही कल ही, और टायर्स भी फ्लैट करके नाइट्रोजन भरा लिया है। ट्रिप पे रीसेट कर लेते हैं, तो घर से नागपुर होटल तक पता चल जाएगा कितना पहुंचे। तो ट्रिप ए जीरो, हाँ हाँ, और ट्रिप बी को भी जीरो कर देते। ट्रिप बी रहेगा यहाँ से पूरा ट्रिप बैंगलोर टू बैंगलोर, तो ट्रिप बी हम छेड़ेंगे नहीं, जीरो कर दिया है। और ट्रिप ए यहाँ से ना, ट्रिप ए चेंज करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। 103 किलोमीटर हमारी चल गई है गाड़ी बैंगलोर के अंदर ही, अब पूरा बैंगलोर से बाहर चलेगी। 3 महीने में देखते हैं कितना चलाते हैं। जय भगवान जी की, जय गणेश जी की, शुभाराम। अभी हम लोग NH44 कनेक्ट कर रहे हैं। इन 400 मीटर्स स्लाइट लेफ्ट टुवर्ड्स स्टेट हाईवे 104, देन कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन टू स्टेट हाईवे 104 एंड टर्न राइट। सो इस पॉइंट से हैदराबाद इज 537 किलोमीटर, और 8 घंटा 15 मिनट बता रहा है गूगल, और 2:15 एस्टिमेटेड टाइम है। सो अभी हम लोग स्कॉर्पियो N में ट्रेवल कर रहे हैं आज। ये Z8 मॉडल है, डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 4x4। सो ये पहला लॉन्ग ट्रिप है हम लोग का जब से हम लोग ने गाड़ी खरीदी। 5 तारीख को गाड़ी खरीदी थी और आज है 10, और आज धनतेरस भी है। सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। हम लोग भी दिवाली मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या डोसा? बढ़िया डोसा गर्मा गर्म बन रहा था, हमने कहा खा लो, अब चाय पीते। तुम ये कहो अच्छा है, ये रोड साइड का ही अच्छा है, फ्रेश बना रही है। फ्रेश है बिल्कुल। तुम मेरे ऑटोमेटिक उस पे स्क्रैच स्क्रैच मार देना पियानो ब्लैक पे, वो देखो पैर देखो कहाँ गया मेरा ट्रांसमिशन। एक सी इधर आओ, पेट भर के खा लो, फिर आगे जाके कहीं पर नैप कर लेंगे। अच्छा है, रोड साइड रहता है ना, बढ़िया रहता है। वैसे हम लोग खाते नहीं, लेकिन गर्मा गर्म दिख गया तो टेम्पटेड हो गए, चलो खाते हैं। मालूम है कितने रुपए में हुआ सारा? कितना? ब्रेकफास्ट? हाँ ब्रेकफास्ट बताओ। जिसमें एक आदमी जो मांग रहा था, एक डोसा, एक प्लेट डोसा और चाय पिलवाया, और 10 पास लिए, तो टोटल मिला के 100 रुपए। तीनों लोग खा गए? हाँ तीनों लोग बढ़िया डोसा खाए। दो मेरे हिसाब से डोसा प्लस चाय, डोसा है 20 रुपए का एक प्लेट, चाय 10 रुपए की, जो भी होगा 30 रुपए का एक होगा, 30 या 90 और 10 रुपए के पास पास। सही है, इतना मतलब इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव भाई, है ना। बैंगलोर से थोड़ा बाहर निकलो, तुमको बढ़िया खाना, टेस्ट और वाजिब दाम। पेनुकोंडा अभी क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ का जो सीनरी है बहुत अच्छा है, दोनों तरफ पहाड़ है। पेनुकोंडा में एक फोर्ट है, एक गेट था वहाँ पे, सो बहुत सुंदर सीनरी है। अभी तो नई किया की गाड़ी जा रही है, किया सेल्टोस अभी नहीं आने वाली है ना? सेल्टोस नहीं लग रही है, कोई दूसरी लग रही है। देखो ना लाइट उसके पीछे की अलग है। इस एरिया में किया का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इसीलिए यहाँ पे गाड़ियों की जो नई वाली गाड़ी है वो सब टेस्टिंग होती रहती है।
कुर्सी देखिए कितना आराम से आगे सो रही है, तो घुस के पूरा सो रही है। इसकी पुरानी आदत है, अपना एडजस्ट कर ली। जैसे एक्सयूवी में भी यही घुस के सोती थी, तो मजा आता है। तुम साइड में हो तो उसको और भी अच्छा लग रहा है कि चलो देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आइसोलेटेड फील हो रहा है पीछे। ठंडी हवा भी आ रही है नीचे से, मोड मैंने नीचे वाला कर दिया है। तो अभी 8:07 और अनंतपुर क्रॉस कर रहे हैं, और नेक्स्ट अभी बिग सिटी आएगा कर्नूल, और उसके बाद हैदराबाद। मनीष को अरे ये नींद, और क्या ऑटोमेटिक में नींद नहीं आएगी तो और क्या आएगा, कुछ करने को है नहीं। तुम्हारे घुटने को कितना आराम मिल रहा है ये सोचो। आराम नहीं चाहिए, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, आराम लोग ही ज्यादा। घुटनों को काम करते रहना चाहिए, उससे एक्सरसाइज होती रहती है। पिक्सी मजा आ रहा है मेरे सीट में बैठने में, तुमको मजा आ रहा है? इसी यही कारण था मैंने इसमें जितने पन्नी उतारी सब इसी में चढ़ा दी कि पीछे तो जगह है नहीं इनके बैठने के लिए, और इसको हमेशा नीचे पसंद आता बैठने के लिए, कभी कभी ऊपर आना चाहे तो इसे लगा दिया कि आओ ऊपर नीचे करते रहो, तो इनकी परमानेंट सीट ये हो गई ताकि लदा खराब ना हो। एक नाखून मारा आप पिछले वीडियो में देखा नहीं कैसे नाखून से खोद रही थी घर का सोफा, क्योंकि खोदने की आदत है, खोद के बैठती है। वो देखिए हम लोग एक कपड़ा लगा के रखे हैं क्योंकि वो जो नॉब्स है पियानो फिनिश है बीच में ब्लैक कलर, ये क्या आवाज हो रहा है। पिक्सी बैठी कह रहा वियर सीट बेल्ट, सेंसर एक्टिवेट हो गया, कोई तो बैठा है। पिक्सी तुमको सीट बेल्ट पहनो कह रहा है, पहना दे सीट बेल्ट। क्या मैडम अभी नीचे कभी ऊपर है, मजा आ रहा है? फुल मजा आ रहा है कि नहीं? ए बस बस आप उधर रहो, उधर रहो स्ट्रेट, हमारे इस पे तुम पूरा स्क्रैच मारोगी। सेंधा नमक इसी को बोलते हैं, रॉक सॉल्ट को, और हिमालयन सॉल्ट वही सेम है, पिंक सॉल्ट रॉक सॉल्ट सब एक ही ऐसे है। तो ब्लैक सॉल्ट अलग होता है। को-ड्राइवर का सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है, ये मेरे को मैसेज आया है एड्रेनॉक्स से, ये देखिए ये स्कॉर्पियो एंड बेल्ट सीट बेल्ट अलर्ट, योर स्कॉर्पियो एंड इज बीइंग ड्रिवन विदाउट को-ड्राइवर वेयरिंग सीट बेल्ट, और वन कब गाड़ी स्टार्ट हुई कब गाड़ी स्टॉप हुई और कहाँ कहाँ गाड़ी जा रही है सब ऐप के थ्रू दिखता है। मतलब घर बैठे भी देख सकते हो, जब डिलीवरी नहीं हुई थी उससे पहले ऐप डाउनलोड कर लिया, हमको दिख रहा था गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही, कितनी बार स्टार्ट हुई, कितनी बार स्टॉप हुई, सब दिख रहा था उसमें। कहने का मतलब है कि अगर हम गाड़ी चुपचाप लेके कहीं दोस्तों यारों के साथ जाए तो पता चल जाएगा हम कहाँ पर हैं, ऐसा है क्या? बल्ले ऐप तो मेरे फोन पे डाउनलोडेड है। नहीं तुम्हारे नंबर से रजिस्टर है ना, मैं खोल ही नहीं सकता, मैं अपने में डाउनलोड नहीं कर सकता, ओटीपी चाहिए होगा, इसको कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा, वरना पता चला हम कहीं पर निकल लिए पीछे से मैडम कह रही अच्छा इसके घर पे पहुंचे हो, यहाँ क्या हो रहा है। तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी नहीं है जो बीवी से चुप चुपा के अपने दोस्तों के साथ मस्ती करे। So, अभी हम लोग कर्नूल एंटर कर रहे हैं, और कर्नूल से हैदराबाद का जो डिस्टेंस है वो 226 किलोमीटर, 3:57 मतलब ऑलमोस्ट 4 आवर दिखा रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 10:20, तो 2:30 तक पहुंचेंगे इस पर अगर चलते चले जाएंगे तो। और अभी तक तो गाड़ी सही चल रही है, और पिक्सी देखिए फिर नीचे चली गई, उसको नीचे ही मजा आता है, उसके सोती है, तो थोड़ी देर के लिए आई थी ऊपर फिर नीचे चली गई।
और नींद गई तुम्हारी? हाँ अभी जाके गई है ना। टाटा मोटर्स वाले बोले कि तुम्हारी गाड़ी अभी एलोकेशन हो रही है, 10 दिन और लगेंगे आने में। अब जाके एलोकेट हुई है। हमने कहा भैया पैसा वापस कर दो, क्या बताएं। विदाउट शुगर कॉफी स्ट्रॉन्ग वाली। तो हम लोग वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके और एक कॉफी हो जाए। क्या लड़की, कभी ऊपर कभी नीचे कभी जाए कहाँ, मजा आ रहा है तुमको नई स्कॉर्पियो में? है पल्लवी किसी तुमने हथिया ली है? वैसे पल्लवी से पहले मेरी यही पार्टनर थी, है ना? इसका पहला प्यार भी मैं ही हूँ। क्यों पल्लवी इतना मार खाने के बाद भी तुम्हारे पास जाती है? बहुत मार खाई है पिक्सी। बहुत मार खाई है पिक्सी, 2 बार घर से निकाल दिया था तुमको हमने। हैं? उसके बाद the most loyal लड़की। चलो, you deserve this seat। पल्लवी तो पीछे बैठने दो। वैसे वैसे बस, नहीं, बस, नहीं, बस, नहीं 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 पूरा लेदर अभी चोर काट देगी। चले बापरे, ढाई बजे पहुंचेंगे हैदराबाद। आज लेट हो गए ना? थोड़ा सा लेट हो गया। अरे मानवी तो उठ गया। अरे वाह, अंगड़ाई ले लो ले लो डुडू। अब तुम्हारा लंच टाइम, हम लोग भी लंच करेंगे आज। तुम थोड़ा पिस्ताची हो, क्या था पिस्ता हाउस मिलता नहीं है वो उसका लगाओ ना, आउटर रिंग रोड जहाँ एंड होता वहाँ शायद आता होगा। देखो चलो पहले, और या फिर वो इस बार क्या पिछली बार उसका खराब था ना, किसका था? इसका हंसी देखो, अरे इतना हंसी इतना खुशी, आजकल नाक बहुत सिकुड़ती है। ये नाक देखो कैसे सिकुड़ी, वो नाक पे कुछ पड़ भी गया, यहाँ पर लग गया। नहीं बावर्ची वाला आता है, बावर्ची वाला चलो पहले जल्दी चलो। चलो देखो नाक से, देखो कितना ज्यादा नाक से खोल रही है भाई। ये नाक करो डाग पड़ जाएगा, डाग पड़ रहा है। तो भूतपुर क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्लाईओवर का, तो स्लो ट्रैफिक है। और इस साइड देखिए फ्लाईओवर बन रही है, तो मैप में थोड़ा रेड दिखा रहा है। अभी 12:30 होने वाला है और अभी नेक्स्ट 1 आवर में हम लोग हैदराबाद का जो आउटर रिंग रोड है वहाँ कनेक्ट करेंगे। और हैदराबाद से गुजरे और बिरयानी नहीं खाए, ये तो हम लोग का होता ही नहीं है, तो हम लोग बिरयानी पिक करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग पैराडाइज बिरयानी खाए थे, बहुत ही घटिया था, वाहियात। तो इस बार हम लोग पिस्ता हाउस से ऑर्डर करेंगे, दिखा रहा है जोमेटो में पिस्ता हाउस। एक दो सब्सक्राइबर ने बोला था कि अच्छा है, लेट्स सी कैसा है। यही ऑप्शन है, एक तो शायद बावर्ची करके है, यस बावर्ची, वो सबके रिव्यूज इतने खास नहीं है। तो लेट्स सी, पिस्ता हाउस से ऑर्डर करते हैं जाफरानी चिकन बिरयानी। जाफरानी मीठा होगा, कश्मीरी थोड़े ना है, और जाफरानी थोड़ा सा मीठा होता है, मुझे तीखा चाहिए। देख लेना उसका रिव्यूज, पढ़ लो कि स्पाइसी है नॉन स्पाइसी है, तो जस्ट चेक इट आउट। देखो मुझे वो बहरोज टाइप का मीठा बिरयानी नहीं खाना। एक सब्सक्राइबर ने बोला था मेघना नॉनवेज पार्सल लीजिएगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, हमको शायद वो सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। ये डिलीवरी एट स्कॉर्पियो एंड व्हाइट कलर टोंडा पल्ली। जोमेटो डिलीवरी दोनों ही पहुंच गए हैं, एक पिस्ता हाउस से और एक जायका रेस्टोरेंट से आए हैं। तो मस्जिद के सामने रुके हैं टोंडा पल्ली में, तो पिक कर लेंगे। सो ये मस्जिद है, हाँ ये देखिए दोनों भैया शायद खड़े हैं, दोनों ही भैया खड़े। वेट भैया, आप कहाँ से लाए हैं?
चलिए बढ़िया। अच्छा हम लोग यूट्यूब ब्लॉगर है। आईडी क्या है? रोविंग कपल, नीचे गाड़ी के नीचे लिखा है देख। सो आप आए हैं पिस्ता हाउस से, ओके, और आपका ये है होटल हैदराबाद ब्रांड। थैंक यू, सब्सक्राइब करो चैनल और लाइक शेयर सब करो। थैंक यू भैया। देखिए कितना ज़्यादा भर भर के दिया है, ये क्वांटिटी है पिस्ता हाउस का। तो पता नहीं मनीष को तीखा खाना था इसलिए दूसरा ऑर्डर। देखो तुम्हारा थोड़ा सा वैसा लग रहा है, कश्मीरी टाइप का। और ये तो तुमने अपने लिए मंगाया, मैं तो नहीं खाऊंगा, ये तुम्हारा पिक्सी का। और ये है स्पाइसी, ये लग रहा है असली बिरयानी। देखो लालम लाल, वो पीली पीली ना मुझे पसंद नहीं आती है, वही ज़ाफरानी होती है। मीठा है, तीखा है? तीखा। अरे वाह, तो मिलाओ तो फिर दोनों लोग मिलजुल के खाएंगे। सो पेट पूजा तो हो गई और अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये नेहरू आउटर रिंग रोड पे हम लोग चल रहे हैं। 70 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, आधे घंटे में पूरा होता है। अब यहाँ से जो नागपुर है 554 किलोमीटर्स और ऑलमोस्ट 10 आवर्स दिखा रहा है। अभी टाइम 2:25 और गूगल बता रहा है कि 12:20 पहुंचेंगे मिडनाइट। ना सनरूफ खोलो, ना सनरूफ का शेड खोलो। वाह क्या अच्छा लग रहा है, मतलब धूप हमको पड़े और मजा तुम लो हैं। अरे पैनोरामिक तो मिलना नहीं, जितना मिला उतने में खुश हो। आगे बैठो ना, ड्राइवर सीट पे बैठो, हमको पीछे बैठने दो। कितने सब्सक्राइबर्स ने बोला आप बढ़िया ऑटोमेटिक हम पल्लवी जी चलाएंगे, मनीष पीछे मानवी संभालेंगे, और हम जाते हैं कि हम मानवी संभालेंगे। हम चलाएंगे चलाएंगे, तुमको पहले ट्रेन तो करे, मानवी को कैसे संभालना है। अच्छा ये बहाने बहुत है तुम्हारे पास, समझी पल्ली, तुम केवल इसी ऑटोमेटिक वे से 7 लाख खर्च किए हो एक्स्ट्रा। जबरदस्ती 2 लाख एक्स्ट्रा है बस तुम्हारा, वो 4x4 की वजह से 2 लाख एक्स्ट्रा, और फिर इसके ऑटोमेटिक की वजह से 2 लाख एक्स्ट्रा। जो भी है ना, मेरे को Z8 का इतना जरूरत नहीं था, ये तुम्हारा ही रिक्वायरमेंट था। मतलब Z4 बहुत अच्छा था और वो अवेलेबल भी था। सोचो बढ़िया रेड कलर चमचमाता हुआ जाता, रेड स्नो में क्या दिखता, सुर्ख लाल। और फिर जब कोई ट्रैफिक में फंसे हो और OVRM को खोलना होगा तो क्या करते, बेल्ट खोल के फिर ये वाला खिड़की खोलते फिर ढकेलते। अरे तो चेंज हो जाता है, महिंद्रा से चेंज करा सकते थे। अभी तक तो तुम मैट नहीं लगा पाए, मुझे बताओ पुराना गाड़ी के मैट डाले हो। वो मिला नहीं, उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ बैंगलोर में जाना पड़ता था, टाइम नहीं था। अब लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ में करा लेंगे, लखनऊ में होगा। 11.912 का एवरेज दे रही है गाड़ी, और अभी जो फ्यूल बचा है 167 किलोमीटर और चली जाएगी उसमें। यहाँ से आदिलाबाद शायद 200 की रेंज में है, 200-250। सो मोस्ट प्रॉब्ली ऑलमोस्ट सेम निकला अभी जितना XUV का एवरेज है, उससे थोड़ा सा कम है इसका। अभी वैसे भी सर्विसिंग नहीं हुई है, तो सर्विसिंग हो जाएगी तो बढ़िया, तब क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा एवरेज देगी। और वही है 60 लीटर वर्सेज 70 लीटर। जो 70 लीटर वाला फुल टैंक चलते थे तो मेरे को आदिलाबाद क्रॉस करने के बाद डीजल भराना पड़ता था, अभी यहाँ दिखा रहा है ये तो पहले ही भराना पड़ेगा। तो भाई ये 10 लीटर का डिफरेंस आ रहा है, प्लस जो एवरेज अभी खुलेगा आफ्टर फर्स्ट सर्विस। एग्जैक्ट 3:00 अभी हम लोग आउटर रिंग रोड एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ से अभी नागपुर 488 किलोमीटर 9:04। डीजल टाइम, टॉयलेट टाइम। डीजल इधर, उन्होंने बैंगलोर में 8757 का भराया था, मतलब जो रेट है 8757 पर लीटर, और यहाँ 9783 पर लीटर। 10 रुपए। आज लंबा दिन हो गया। ये तो है, लेकिन जो शुरू में गाड़ी में मुझे एक जो वाइब्रेशन मेरे इस पे स्टीयरिंग पे पैरों में आ रहा था, अभी लॉन्ग ड्राइव में वो चला गया। मुझे लग रहा है जैसे
शॉकर्स ये सस्पेंशन एडजस्ट होते हैं, अभी सब एडजस्ट हो गए होंगे, खूब चलो चल के मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, लेकिन पीछे बैठने में आराम लग रहा है, कोई मतलब ज्यादा जर्किंग वर्किंग नहीं लग रहा है, सो मजा है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है बट दैट्स ओके, मतलब अब लग रहा है गलती की है अपनी गाड़ी कैंसिल करके, नहीं करनी चाहिए थी। हम लोग ने गाड़ी क्यों कैंसिल की थी, एक तो स्पेस के कारण, वो तो अभी भी है खैर, है ना, लेकिन पिक्सी आराम से बैठ रही है आगे। वैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मनीष जी पन्नी कब उतारेंगे। पन्नी, अरे भैया पन्नी सब उतार दिया हमने, अब देखो तीनों पीछे की पूरी रियर सीट में उतर गई, मेरे वाले में उतर गई, और जो इन तीनों का उतरा वो मैंने अपने ये कंडक्टर साइड कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, ड्राइवर साइड, को पायलट कंडक्टर अपना तो कंडक्टर वाला है, तो इसमें सारी पहना दी जस्ट बिकॉज वी वर प्लानिंग टू टेक पिक्सी, और कि पिक्सी को हम आगे बैठाएंगे पीछे नहीं रखेंगे, और पीछे में जो थर्ड रो है उसको हमने फोल्ड कर दिया, उसकी पन्नी इसलिए नहीं हटाई क्योंकि वो हमेशा फोल्ड ही रहने वाली है, तो क्यों गंदा करना उसको, एज इट इज रखा। मेरी सही बताएं तो एक्सयूवी 500 की भी सीट शायद दो या तीन बार के बाद यूज ही नहीं हुआ, हमेशा ऐसे फोल्ड में रही है, तो ये मेरी जो को पायलट वाली है ये मैं हटा दूंगा, वंस इसके मम्मी पापा आ जाते हैं वी विल पिक देम अप ऑन द वे फॉर आवर ट्रिप, तो उस समय हटा देंगे और फिर देखते हैं पिक्सी को डिफरेंट तरीके से बैठाते हैं। एक उसमें वो जो वो नहीं मैट्रेस कवर नहीं आता है जो वाटर प्रूफ वाला है, वैसा अगर कुछ टेलर से बनवा सकते हैं इस पे कवर, सीट कवर ना, ताकि उसका लेदर खराब ना हो पिक्सी के नाखून वाखून से, वो कर सकते हैं। और जो पियानो फिनिश है ना उसका भी देखो कुछ अगर लैमिनेशन या कुछ होता होगा, उसमें तो स्क्रैच मारना शुरू हो गया, दो नाखून में लगे पिक्सी के स्क्रैच पड़ गया, और वो किसी कहीं तो हमने देखा था यूट्यूब पे कि इसका जो पियानो बैक फिनिश है उस पर अगर चाबी लग जाता कुछ भी लग जाता है तुरंत स्क्रैच मार देता है, सो आई डोंट नो उसपे क्या लगा सकते, किसी ने बोला पीपीएफ एक लैमिनेशन आता है, एक सेरामिक कोटिंग भी सेरामिक कोटिंग आता है, तो आपको पूरा ओपन करके देना पड़ेगा, तब हमने ना इतना कुछ नहीं करूंगा, लगे लगे में लग जाए बहुत अच्छा है। अच्छा इस गाड़ी का हम लोग नाम क्या रखते हैं? हाँ मैंने देखा कुछ कमेंट्स आए कि आप अपनी इस गाड़ी का नाम रखिए, वैसे तो महिंद्रा 1BHK है ही हमारी शुरुआत से, इसका एक अच्छा नाम कुछ आप ही लोग बताओ, मुझे तो लगता है कि इसको बड़े पापा ही कहना चाहिए, क्या कहते हो, ये हमारे बड़े पापा है जो मयंक ने दिया था नाम, मयंक गवर्नमेंट जीलर, बिग डैडी ऑफ स्कॉर्पियो, बिग डैडी ऑफ SUVs, स्कॉर्पियो बड़े पापा। So, ये जो JBL speakers है लग्जरी में तो सोनी वाले आते हैं तो ऑब्वियसली इससे भी अच्छे होंगे, तो JBL speakers Jet2 से आते हैं कि ये कुछ डिफरेंस है? मुझे नो आइडिया। लेकिन Z4 लेते तो यही वाले speakers मिलते हैं कि उसमें कुछ थोड़ा सा लोअर वर्जन मिलता है कुछ? आई हैव नो आइडिया। या तुम गाड़ी खरीदने जाते हो कि क्या खरीदने जाते हो? चार पहिए चाहिए बस, किसी ने बोला है, इट वाज अ हेस्टी डिसीजन, यस इट वाज अ हेस्टी डिसीजन, मतलब अभी हम लोग दो दिन पहले तो कुछ नहीं था कि ऐसे जाना, दो दिन बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ, छोड़ो टाटा चलो उठाओ, 10 जगह कॉल कर दिया सारे महिंद्राओं में, अब वहां पर बोला जिसके पास है दे दो, इट वाज जस्ट स्टॉक अवेलेबिलिटी, किसी का कैंसिल हुआ था शायद एंड दे डिडंट वांट इट, और उसके बाद इस गाड़ी का कोई टेकर नहीं था, मिल गई, इट वाज लक बाय चांस। Just to-
सो रूम पहुंच गए हैं फाइनली, और ये वही रूम है जहां पे हम लोग जब भी नागपुर से होते हुए गुजरते हैं तो इसी होटल में रुकते हैं, होटल सनराइज एंड रिजॉर्ट। सो यही वाला रूम, ये थोड़ा सा बड़ा है और पिक्सी विक्सी के साथ ठीक रहता है। तो ये वाला अभी एंटर कर लिए है और 11:30 हो चुका है, तो जल्दी खाना भी ऑर्डर कर दिया, खा पी के सो जाएंगे और फिर सुबह आगे की जर्नी कंप्लीट करना है रायबरेली के लिए, नागपुर से रायबरेली। और कल छोटी दिवाली है तो दिवाली के दिन पहुंचना तो है ही, तो थोड़ा देखते हैं जल्दी कवर करेंगे पहुंच जाएंगे। तो चलिए, ये वाला अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा बैंगलोर से नागपुर का जर्नी हमारे न्यू स्कॉर्पियो एन में, और ड्राइव बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत स्मूथ ड्राइव थी, मतलब गड्ढे वड्ढे में कोई एकदम पता नहीं चला, सीट की कंफर्टिंग इतनी अच्छी थी, गाड़ी का साउंड जो XUV 500 में गाड़ी का एक साउंड आता था कैबिन के अंदर, स्कॉर्पियो एन में नहीं है वो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं। और प्लस एवरीथिंग वाज ओके, जस्ट दैट थोड़ी सी स्पेस की कमी है, वो इतना तो कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर ही रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय 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 मानवी, बाय 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 बाय।